नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और पारिवारिक कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है कामचोर बहू को कैसे उसकी ननद ने सिखाया सबक। रानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है, जैसा नाम वैसा ही शौक भी, घर के काम काज से कोसों दूर। जब तक छोटी थी माँ सब काम करती, पर जब रानी बड़ी हुई तो माँ ने समझाना शुरू किया, बेटा कुछ सीख लो, कल को ससुराल जाओगी तो क्या करोगी। हम माँ बाप हैं, तुम्हारी ये आदतें झेल लेंगे, पर वहाँ तुम्हें ही करना पड़ेगा सब कुछ। रानी हमेशा कहती, क्या माँ, जस्ट चिल, रानी हूँ मैं, रानी, मुझे कुछ नहीं करना। मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जिसके आगे पीछे नौकरों की लाइन हो। तुम मेरी चिंता न करो, तुम्हारी तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने वाली मैं, दिन भर झाड़ू पोछा करके। माँ ने गुस्साते हुए कहा, तेरी भलाई के लिए समझा रही हूँ, बाकी तेरी किस्मत, फिर आकर रोना मत मेरे पास, वहाँ कोई तुम्हारे बहाने नहीं सुनेगा, समझी। रानी ने कहा, अरे माँ, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, तुम नहीं जानती अभी। माँ ने रानी की तरह अचंभे से देखा और पूछा, अब ये क्या बला है। रानी ने कहा, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है माँ, मैं बचपन से इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कराती आ रही हूँ और आपको पता भी नहीं चला। जब आपको नहीं पता चला तो ससुराल वाले कौन से जेम्स बांड होंगे जो उन्हें पता चल जाएगा। माँ कुछ समझ नहीं पाई तो रानी ने कहा, जब भी आप मुझे कोई भी काम बोलती हो तो मेरा जवाब क्या होता है, आप ही बताओ। माँ ने कहा, तुम्हें आता ही क्या है जो मैं कोई काम तुम्हें बोलूँगी। रानी ने कहा, यही माँ, यही है मेरा ब्रह्मास्त्र कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, और जोर जोर से हंसने लगी। माँ गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई। माँ के लाख समझाने के बाद भी रानी में कोई सुधार नहीं आया। वो दिन भर टीवी देखती, सोती रहती और खाती रहती। माँ ने भी बोल बोल कर सिर पीट लिया अपना। रानी के पापा ने कहा, इतना क्यों परेशान होती हो रानी की माँ, हमारी बेटी के नसीब में सुख ही सुख है। कुछ महीने बाद रानी की शादी हुई। रानी बहुत सुंदर थी, इसलिए मोहित तुरंत उस पर मोहित हो गया था। ससुराल में रानी की पहली सुबह थी। मोहित जल्दी उठ गया था, करीब आधे घंटे से उठाते उठाते रानी उठी और बोलती है, माँ मेरी चाय कहाँ है, मुझे चाय चाहिए। मोहित ने कहा, रानी तुम अपने ससुराल में हो, उठो जल्दी, चाय तुम्हें ही बनानी है, बाहर रीमा दीदी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, जाओ तैयार हो। रानी बड़ी मशक्क़त के बाद बिस्तर से उठी और आलस से भरी अवस्था में बाथरूम तक पहुंची और नहा कर तैयार हुई। मोहित ने भी सोचा कि शायद कल शादी के रस्मों रिवाजों के बीच थक गई होगी, इसलिए उठ नहीं पाई जल्दी। अब मोहित को क्या पता कि इस सुंदर चेहरे के पीछे एक आलस की देवी भी विराजमान है। रीमा रानी को लेकर किचन में गई। रानी देर से पहुंची थी, इसलिए सासू माँ ने पहले ही चाय बना दी थी और रानी को चाय देते हुए कहा, बहू आज मैंने चाय बना दिया है, पर कल से तुम्हें ही बनाना है, सुबह सुबह सबके लिए चाय। रानी ने सहमति देते हुए अपना सिर हिलाया। अब नाश्ता बनाना था। रीमा दीदी ने कहा कि रानी आज पोहे बना दो। रानी ने सोचा अब क्या करूँ, तो उसने हाथ चलाने की जगह दिमाग चलाया और पूछा, दीदी कितने लोगों के लिए बनाना है। रीमा दीदी ने कहा, यही कोई 12 लोग होंगे सब मिलाकर, पर तुम घबराओ नहीं, इतनी भीड़ आज ही है, चाचा चाची और उनके बच्चे और मेरा परिवार भी है, तो लोग बढ़ गए हैं, कुछ दिन बाद सिर्फ 4 लोग ही बचेंगे, तुम लोग यहाँ, माँ पापा मोहित और तुम। रानी ने रीमा दीदी से कहा, दीदी प्लीज़ आप बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे इतने लोगों का खाना बनाना नहीं आता, हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही लोग थे, हम लोग, आज मदद कर दीजिए, मैं जल्दी ही सीख लूँगी। रीमा ने भी सोचा कि चलो नया माहौल है, इतनी जल्दी सब तो नहीं कर लेगी रानी, इसे भी थोड़ा वक्त चाहिए। रीमा ने सबके लिए पोहे बनाए और रानी ने बस कभी कभी कलछी हिलाया कड़ाही में। नाश्ता परोसा गया, सबने तारीफ की कि पोहे अच्छे बने हैं, तो रानी ने मुस्कुराकर सबको धन्यवाद दिया। रीमा दीदी रानी का मुँह देखने लगी, उन्हें बहुत बुरा लगा, उस वक्त की बनाया तो मैंने, पर सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। रानी ने बखूबी उस बात को भी संभाल लिया कि दीदी अगर मैं आपका नाम लेती तो सब कहते कैसी बहुलाई है मासी, जिसको कुछ बनाने भी नहीं आता, और हमारे परिवार की बेइज्जती हो जाती, आपको बुरा लगा तो माफ़ करिएगा। रीमा ने भी रानी को प्यार से धन्यवाद दिया कि तुम अभी से कितना अच्छा सोचती हो हमारे घर के लिए। दोपहर में सब रिश्तेदारों के लिए भोज था तो रसोइयों ने खाना बनाया, जैसे तैसे एक दिन तो निकल गया। रानी की माँ चिंता में मरे जा रही थी। उन्होंने रानी को कॉल किया तो रानी ने बताया, माँ चिंता न करो, मेरा ब्रह्मास्त्र यहाँ भी चल रहा है।
इसी तरह बहानों के बीच रानी की जिंदगी निकलने लगी। सब कुछ सीखने के नाम पर 3 महीने बीत गए, पर आज भी माँ जी को रानी के साथ खाना बनाना पड़ता है। माँ जी ने रीमा को बताया घर का सब हाल और कहा कि रानी कुछ सीखना ही नहीं चाहती है, आज सिखाती हूँ और कल बोलती है कि माँ जी मैं भूल जाती हूँ, फिर से बता दीजिए। पूरा दिन टीवी देखती रहती है, गाने सुनती है और आईने के सामने खुद को निहारती रहती है। मुझे तो लगता है उसकी सुंदरता ने हमें छल लिया। रीना सब कुछ समझ रही थी। उसने कहा, माँ चिंता न करो, अभी 1 हफ्ते में राजू का स्कूल बंद होगा तो मैं आती हूँ, देखती हूँ आखिर परेशानी क्या है रानी की। मुझे तो पहले दिन ही रानी ने बेवकूफ़ बनाया था, अब मेरी बारी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, आ रही हूँ मैं जल्दी ही। रानी इन सब बातों से परे दूरदर्शन का आनंद ले रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है उसकी ज़िंदगी में। माँ की बातें सुनकर रीमा को भी चिंता हो रही थी कि रानी अगर जानबूझकर ये सब कर रही है तो ये तो गलत बात है। सब एक परिवार है और परिवार में सबका अपना अपना दायित्व होता है। इस तरह जी चुराना और काम न करना तो रानी की आदत हो गई है। अगर वक्त रहते इसे नहीं सुधारा गया तो आज तो सिर्फ माँ को तकलीफ हो रही है, कल को खुद रानी अपना काम भी नहीं कर पाएगी। रीमा घर की बड़ी बेटी है और अपने ससुराल की बड़ी बहू भी। वो अच्छे से जानती है घर की जिम्मेदारियों का एहसास। बस यही एहसास वो रानी को भी करवाना चाहती है। बहरहाल बच्चों की छुट्टियां हुई, दोनों बच्चों और पतिदेव के साथ रीमा मायके पहुंची। रविवार का दिन था और सुबह के कुछ 8 बज रहे होंगे। मोहित चाय का कप लेकर कमरे की तरफ जा रहा था। रीमा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह मोहित, तुम तो बड़े पत्नी व्रता पति हो गए हो, कभी हमें भी पिलाओ अपने हाथ की चाय। मोहित को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, नहीं दीदी, मैंने ही कहा है कि इतवार को मैं ही चाय बनाया करूँगा। रीमा ने कहा, बहुत अच्छी बात है ये तो। मोहित कमरे में आ गया और रानी को बताया कि रीना दीदी और उनका परिवार आया है। पहले तो रानी का चेहरा उतर गया, फिर उसने सोचा, चलो ठीक है ना, मैं अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रानी बाहर आई, सबसे मिली, दोनों बच्चे जिद करने लगे, मामी कुछ खिलाओ ना, बहुत भूख लगी है, माँ के हाथों का तो हम रोज खाते हैं, आज आप खिलाओ। मन न होते हुए भी रानी बच्चों की बात न टाल पाई और उनके लिए नाश्ते में हलवा बनाया। रीमा माँ को लेकर बाहर निकल गई थी कि रानी को अकेले ही काम करना पड़े। रानी को गुस्सा भी आया, पर जब बच्चों ने हलवे की तारीफ की तो रानी बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद दोनों वापस आए और सबने नाश्ता किया। फिर रीमा ने रानी से चाय बनवाया। रानी हर बार बहाने कर रही थी, पर रीमा के पास इस बार हर बात का तोड़ था। रानी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए कहा, दीदी माँ जी बता रही थी कि आप कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती हैं, आज हमें भी खिलाइए। रीमा सब समझ रही थी, उसने कहा, आज कढ़ी चावल ही बनेगी, मैं बताऊंगी और तुम बनाओगी, आखिर तुम इस घर की मालकिन हो। रानी ने सोचा, अब क्या करें, उसके सभी पैतरे नाकाम हो रहे थे, आखिरकार उसे सारा काम करना ही पड़ा। सुबह से रात हो गई, आज टीवी मोबाइल ये सब की तो सुधी नहीं रही रानी को, थकी हारी बिस्तर पर आते ही सो गई। अगला दिन आया, सुबह सुबह रीमा ने मोहित और रानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और रानी को जगाया। रानी 6 बज गए हैं, उठो तुम्हें चाय बनाना है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, फिर नाश्ता बना देना जल्दी, तुम्हारे जीजा जी को मोहित के साथ बाज़ार जाना है, कुछ काम है, चलो ज़रा जल्दी हाथ पैर चलाओ। जैसे तैसे अपने किस्मत को कोसती रानी बिस्तर से उठी, उसने चाय बनाया और सबको दिया, फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई। अब रीना तकरीबन सारा काम रानी से ही करवाती थी। रीमा की माँ को ये अच्छा नहीं लगता कि रानी अकेले अकेले सब कुछ करे, वो बार बार उसकी मदद करने पहुँच जाया करती थी और माँ जी के आते ही रानी किचन से गायब हो जाती थी। रीमा ने माँ को मना किया कि माँ कुछ दिन रुक जाओ बस, तुम इस तरह बार बार उसकी मदद करने न जाया करो, पर माँ फिर भी नहीं मानती। जैसे तैसे 1 हफ्ता बीत गया, रानी सारे काम खुद ही करने लगी थी। रीमा ने सोचा, लगता है रानी अपनी जिम्मेदारियाँ समझ रही है, वो मन ही मन बहुत खुश थी। पर इधर रानी कुछ और ही सोच रही थी, वो रीमा दीदी के जाने की राह देख रही थी। उसने सोचा, ये चली जाएंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा, मेरी बला टल जाएगी। 1 हफ्ते हो गए, जब रीमा के जाने का कोई आसार नज़र नहीं आया तो रानी ने पूछ ही लिया कि दीदी आपको कब तक जाना है, बहुत दिन हो गए ना। रीमा भाप गई कि रानी में कोई सुधार नहीं आया है। उसने सोचा, अब कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, अब इससे काम नहीं बनेगा।
रीमा साम दाम दंड भेज सब पैतरे आजमाने को तैयार थी। इस बार उसने माँ को उनकी दोस्त के घर भेज दिया और खुद बिस्तर पर लेट गई। रानी को बुलाया और कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है रानी, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम देख लो घर बहुत गंदा हुआ है, साफ कर दो ज़रा, फिर सबके लिए खाना बना देना, मेरे लिए खिचड़ी बना देना, बच्चों को पूछ लो क्या खाएंगे, जो खाएंगे वो बना देना, मैं जा रही हूँ आराम करने। रानी ने कहा माँ जी कहाँ हैं? रीमा ने बताया माँ की दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार है तो उन्हें जाना पड़ा। तुम माँ की चिंता छोड़ो, अपने काम पर ध्यान लगाओ। रानी का बुरा हाल था, साफ सफाई कर कर वो नहाने गई, किचन में आकर खाना बनाना शुरू किया। तब तक रीमा की आवाज़ आती है कि मुझे थोड़ा काढ़ा दे दो। रानी ने कहा मुझे नहीं आता, तो रीमा ने उसे बताया कैसे बनाते हैं। रानी ने काढ़ा बना कर दिया। वापस आई तो देखा दोनों बच्चों ने वापस पूरा घर गंदा कर रखा है। उसने बच्चों को डांटा तो वो रोने लगे। रानी डर गई कि कहीं दीदी न देख ले, तो उसने उन्हें बुलाया, उनका मनपसंद खाना पूछा तो पता चला उन्हें आलू के पराठे खाने हैं। अब इतने तरह के खाना बनाते और बच्चों को संभालते संभालते रानी की शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो इतना थक चुकी थी कि गुस्सा अब संभाले नहीं संभाल रहा था। उसने सब कुछ जैसे का तैसे आधा अधूरा ही किचन में छोड़ दिया, दोनों बच्चों को फिर से डांटा और अपने कमरे में आकर बैठ गई। रीमा को कोई आहट नहीं मिली तो वो रानी के पास आई और पूछी क्या हुआ। रानी बहुत गुस्से में थी इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी। रीमा ने उसे और उकसाया तो रानी ने चिल्लाते हुए कहा आप जब से आई हैं अपना सारा काम मुझसे ही करवा रही हैं। माँ जी पहले सब कुछ करती थी पर आप उन्हें भी कुछ नहीं करने देती और ना तो खुद कुछ करती हैं। मुझसे नहीं हो सकता ये सब काम, मैं नहीं कर पाती हूँ ये सब काम, मुझे नहीं पसंद है। रीमा मुस्कुराने लगी तो रानी को और चिढ़न हुई। उसने कहा आप हंस रही हैं मुझ पर। रीमा ने कहा नहीं रानी, मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते से सारा काम तुम खुद ही कर रही हो, सबका पूरा ख्याल रख रही हो, सबको समय पर चाय नाश्ता खाना सब कुछ तुम ही दे रही हो और सबको तुम्हारा बनाया खाना भी बहुत पसंद है। इतना कुछ करने के बाद भी तुम कहती हो तुमसे काम नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ तुम्हारी बुरी वाली ननद बनकर तुम पर रौब जमाने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि हर किसी का अपना कर्तव्य होता है, सबको कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ता है। कोई घर के बाहर काम करता है, कोई घर में रहकर घर संभालता है। अपनी माँ को भी तुमने देखा होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पूरी मेहनत तुम लोगों के लिए लगा दिया और एक उफ तक नहीं किया। यहाँ माँ को देखो, तुम्हारी दुगनी उम्र की है, तुम आराम करती हो और वो सब कुछ करती हैं। जरा सोचो क्या ये अच्छी बात है। मुझे कुछ नहीं आता कह देना आसान है पर सब कुछ करना उतना ही मुश्किल होता है और वो भी अकेले करना। तुम घर की बहू हो, घर तुम्हारा ही है, इसे तुम्हें ही संभालना है और तुम इन सब जिम्मेदारियों से दूर भागती हो। जिम्मेदारियां सबको उठानी पड़ती है, कल को तुम्हारा भी परिवार होगा, अपना आज नहीं सुधारोगी तो आने वाला कल कभी नहीं संवार पाओगी। रानी ने रीमा दीदी से माफ़ी मांगी और शुक्रिया अदा भी किया और कहा आज आपने मुझसे मिलाया है दीदी, मैं आलस के कारण कुछ नहीं करना चाहती थी, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही थी पर अब नहीं, आपने मुझे ज़िंदगी का सबक दिया है। मिल बांट कर काम करने से ही परिवार चलता है, एक के कंधे पर सारा बोझ डालना ठीक नहीं होता है, आज से आपको शिकायत नहीं मिलेगी हमारी। रीमा ने मुस्कुराते हुए रानी के चेहरे पर हाथ फेरा और चली गई। रीमा दीदी की बातें सुनकर रानी को उसकी माँ की बहुत याद आई, वो हर वक्त रानी को समझाती थी, रानी के सभी काम करती थी, कभी अगर रानी की तबीयत खराब हो जाए तो माँ रात भर उसके लिए जागती थी। रानी अब समझ रही थी कि पूरा दिन काम करने के बाद और बच्चों का ध्यान रखने के बाद माँ की क्या हालत होती होगी। उसने आज तक अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं किया था, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने उसी वक्त माँ को कॉल किया और हालचाल पूछा, ये भी कहा कि माँ तुम बहुत थक जाती होगी ना, अपना ख्याल रखा करो, अच्छा तुम थोड़ा आराम कर लो, हम बाद में बात करेंगे। रानी की बातें सुनकर माँ को भी अजीब लगा कि अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली रानी आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। रानी की बातें सुनकर माँ को बहुत अच्छा लगा और रानी को भी बहुत सुकून महसूस हुआ माँ से इस तरह से बात करके।
कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र हम सबके पास होता है, पर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना सबको तकलीफ देता है। रीमा ने अपने माँ को बुला लिया और रानी की सास भी बहुत खुश हो गई अपनी बहू को अपने घर की जिम्मेदारियाँ उठाते हुए देखकर। वह तो रानी को शुरू से ही बहुत प्यार करती थी और अपने बहू के ऊपर ज्यादा काम का दबाव नहीं डालना चाहती थी, लेकिन बस यही चाहती थी कि उनकी बहू उनके घर की जिम्मेदारियों को समझे, बहू होने का फर्ज निभाए। अब दोनों सास बहू मिल बांटकर घर के काम कर लेती थी। अब रानी की सास और रानी दोनों में प्रेम बहुत बढ़ चुका था और दोनों बहुत खुश रहने लगी थी और परिवार में भी खुशहाली छा गई थी। दोस्तों, परिवार में एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसे घर का नौकर बना देना यह अच्छी बात नहीं होती है। अगर सास अच्छी है, घर के कामों में हाथ बटा रही है, तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बुज़ुर्गों को उनके अनुसार ही काम करने देना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।